तो गाइज आज के व्लॉग में बहुत सारे गलत कमेंट आए हुए, अभी उनका रिप्लाई दे देते हैं। वो है बुआ के ऊपर, ठीक है, वो हमारे ऊपर भी है, बुआ के ऊपर भी, सारों को हमारे पूरे फैमिली के ऊपर कमेंट का प्रभाव पड़ रहा है। अब उनका जवाब सुन लो आप क्या कहे, और कल उल्टे कमेंट करें तो फिर दोबारा सुन लेना। करो मम्मी स्टार्ट, तो थोड़ा पहला आराम से देना। पहला कमेंट है शर्लू सिंधु जी का, कमेंट करे जब तक दूसरों को गलत बोलोगे तब तक यही होगा, कोई भी ठीक नहीं रहेगा, तुम सब बदतमीज लगते हो। तो शालू सिंधु जी मेरी बात सुन लो आप पहले, तो ना तो हम दूसरा ने कदे गलत बोलते, हमने गलत बहुत कुछ सुना है आज तक ने 20 साल में, ना जितना गलत मैंने सुना ना जितना टॉर्चर मैंने सहा है शायद किसी ने नहीं सुना होगा। और बिना सोचे बिना समझे बिना किसी से न मिले ना आपने, आपको किसी ने हक नहीं दिया इतने गंदे कॉमेंट करो, ठीक है। आज तो आपने कमेंट कर दिया, कल आप कमेंट करके देखना फिर बताती हूँ मैं। मैंने बहुत दिन हो गए देखते, बहुत से सारे लोग इतने गंदे गंदे कमेंट करते हैं, मैंने ये सोचा था नहीं बोलूँ, नहीं आप किसी का जवाब नहीं देंगे, लोग बोलते रहेंगे हमने कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। हमने सिर्फ उन लोगों से फर्क पड़ता है जो हमसे प्यार करते हैं, हमें अपना फैमिली का हिस्सा मानते हैं, जो हमारे ब्लॉग के बिना रह नहीं सकते, जिसका डेली से डेली ना फोन भी आता हमारे पास। और इसी ने अगला कमेंट और किया है, इतना भोंकना अच्छा नहीं है, खुद काम कर लो, ये तो हमारा लोगों के काम होते हैं, तो हम हमारा काम खुद करते हैं, ना तो तू आंदा हमारा काम करन, ना तेरी फैमिली का कोई मेम्बर आंदा काम करन, ठीक है। हमारा काम हम खुद करते हैं, हम किसी पे ना पेंडिंग नहीं है, अभी कोई आके हमारा काम करेगा, ठीक है। इससे अगला कमेंट है मीनाक्षी जी का कमेंट है, स्टडी से तो इनके बच्चों का लेना देना नहीं है, इनको लगता है कि स्टडी में क्या रखा है लोग बना के। तो मीनाक्षी जी मैं आपको बता दूँ, स्टडी तो मेरे बच्चे करते हैं, आप तो आके इनके स्टडीज करवाते नहीं हैं। और जब देख लेना जब मेरे बच्चों का रिजल्ट आएगा ना, फिर आपको पता लग जाएगा मेरे बच्चे फेल हुए या पास हुए। मैं ये नहीं कहती मेरे बच्चे टॉप हैं, पर फेल भी नहीं होंगे मेरे बच्चे। तो गाइस मोर हो जैसे नहीं है, जो सामने दो कॉपी रख के दिखा दिया हम पढ़ रहे हैं, हम नहीं दिखाते हम पढ़ रहे हैं, हम बाहर जाके पढ़ते हैं, गली में बैठ के पढ़े, चाहे स्कूल में बैठ के पढ़े, चाहे क्लास में बैठे में कमरे में ट्यूशन जाके पढ़े, आपको क्या लेना देना उससे, हम और जैसे नहीं है। तो हाँ गाइज उठ के अभी मैं कर रहा हूँ पढ़ाई, तो हमने पढ़ाई दिखा दी, दो कापी रखी, एक चे उसमें से भरी कापी हो, एक चे खाली कापी हो, दिखा दिया। तो हेलो गाइज मैं अभी पढ़ाई कर रहा हूँ, अभी मम्मी गई है बाहर, मम्मी अभी खाना बना रही है, तो यहाँ पे मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। हम ऐसे नहीं करते, करते हैं तो दिखाते हैं, नहीं करते तो ट्यूशन जाते हैं, तो फोन थोड़ी अलाउड है ट्यूशन पे, स्कूल में फोन अलाउड नहीं है, उधर जाके पढ़ाते हैं, ऐसे नहीं है। दो कॉपी रखी, हेलो गाइस हम अभी स्टडी कर रहे हैं, यहाँ पे मम्मी अंदर है, अंदर वो मना रहे हैं, वो मना रहे हैं। सेक्स 9HO का, आपकी फैमिली बहुत अच्छी है, पर बोलू आप किसी को सुनाया मत करो कि कोई और आने वाला तो नहीं है, नहीं खुद ही करना पड़ता है, क्योंकि जो किसी का सहारा नहीं लेता भगवान खुद उसका सहारा बनते हैं, इसलिए सहारा सिर्फ भगवान का मांगो, क्योंकि वो ही कभी जाएगा, वो कभी जाएगा नहीं, कोई और सहारा ढूंढोगे तो वो लाख बार सुनाएगा। तो यूजर जी आपका दिल से धन्यवाद, सही बात बोला आपने भाई, सिर्फ भगवान का सहारा, और हमने तो आज तक यही सोचा है भगवान के सहारे के साथ हम इस घर में बैठे हैं, और अगर कहीं जाएंगे तो भी भगवान का सहारा लेकर जाएंगे, किसी और का सहारा बिल्कुल नहीं है, और मैंने कभी सोचा भी नहीं था। और गाइज मैंने किसी के कमेंट का रिप्लाई नहीं करना चाहती थी, पर पता इतने दिन हो गए मैंने सुनते, देखो बच्चा जब बड़ा हो जाता है ना तो वो अपने माँ बाप की बेइज्जती हो या कुछ भी हो वो सुन नहीं सकता, जी कोई भी हो, बड़ा हो या छोटा हो, हर बार तो बुराई नहीं सुन सकता, कभी ना कभी तो जवाब जरूर दे, ठीक है। अगला कमेंट है सलमा पटेल जी का, व्यूज के लिए टाइटल बुआ के नाम का लगा दिया। अच्छा जी, तो सिर्फ हमने व्यूज ही चाहिए जो बुआ के नाम का, बुआ सिर्फ ना एक ही बुआ नहीं होती, बुआ और भी होती है, ठीक है। और मेरे बच्चों के ना घर की 5 बुआएं हैं, ठीक है, तो ये नहीं है अभी उस बुआ के नाम पर टाइटल लगा दे उस बुआ के। अब इसी ने एक कमेंट और किया है, एक दिन तो सरोज कैमरे के सामने नहीं आई थी, अब देखो दुपट्टा भी सर पर नहीं डालती, तो आपको क्या मतलब मैं दुपट्टा सिर पे डालू या ना डालू, आपको मेरे रिश्तेदार तो लगते नहीं जो आपके लिए स्पेशल मैं दुपट्टा डाल के बैठू, ठीक है। आप कौन कहता मैं कैमरे के सामने नहीं आई थी, मेरी तबीयत खराब है, मैं ना तो ज्यादा बोलती, मैं ना ज्यादा उपरती, सिर्फ हाँ ना का जवाब देती हूँ, और मैंने आपसे थोड़ी डर लगता जो मैं कैमरे के सामने नहीं आऊंगी। तो गाइज हमारी एक बुआ जी और है, वो मैं आपको दिखाऊंगा किसी टाइम पे ना, दिखाया भी था और अब दोबारा भी दिखाऊंगा मैं, वो बुआ जी आए थे हमने दिखाया इसलिए नहीं, तो कोई दोबारा कंटेंट बना देता, बीच में कंटेंट आया था तुम्हारी मामियों को बुलाओ, तब दोबारा कंटेंट आता तुम्हारी बुआओं को बुलाओ,
तो हमारी बहन को और भाई को क्यों नहीं दिखा रहे? इसलिए नहीं दिखा रहे उनको ऊपर सवाल ना उठे, उनको भी अपनी इज्जत प्यारी है गाइस, सबको होती है अपनी इज्जत प्यारी। तो हमको हमारी मामी को एक दिन दिखाया था मुश्किलों से, वो भी कभी बैक कैमरा बना दिया तो बैक कैमरे में आ गए, तो ऐसे आगे एक बार मेरी दीदी भी दिखाई थी, मैंने वो ब्लॉग प्राइवेट कर दिया उसी टाइम, प्राइवेट कर दिया था एक घंटे के अंदर अंदर, और जब तक कि मैं हॉस्पिटल में था उस टाइम पे, इसार पहुंच गए थे हम हॉस्पिटल में, उसी टाइम मैंने वाईफाई कनेक्ट करवा के बाहर पड़ोसियों से, हॉस्पिटल के बाहर जो दुकान थी वहां पे पड़ोसी तो लगती थी, मैंने प्राइवेट कर दिया था वो लोग, और हमारी बुआ और भी तो बीच में दोबारा कंटेंट उठा लेते लोग, तुम्हारी बुलाओ तुम्हारी मामियों को, तब बुआ को दिखा देते तो क्या देते, बुलाओ तुम्हारी बुआओं को, बुलाओ तुम्हारी बहनों को। आज इसकी बुआ है ये मतलब थोड़ी है भाई, आज वो इनके लड़ाई झगड़े चल रहे तो कभी झगड़े खत्म ही नहीं होंगे, तो आप क्या मुंह दिखाओगे जब इनके झगड़े खत्म हो गए तो। और जिसको पसंद नहीं है ना वो लोग में आना ना, हम नहीं कहते तुम आओ। मेरी मामी आई थी एक दिन दिखाया, तो उसके बाद मामी बोली मेरे को नहीं आना, तो नहीं आए, तो एक दिन में कंटेंट उठा दिया, तो मेरी बहन आई है, बहन आई हुई है घर पे भी है, ऊपर बैठे है पढ़ रहे है दोनों बहन भाई, एक कर रहे है डॉक्टर का कोर्स, पेपर कंप्लीट हो गए, रिजल्ट आने वाला है, नौकरी लगने वाली है, एक आर्मी की तैयारी कर रहे है, जितनी पूरे खानदान की है ना तुम्हारी, उससे दुगना तुम्हारे एक घर में ही है, इतना तुम्हारा कंटेंट उठा देते अगर हम दिखा देते तो, हम इसलिए हमने नहीं दिखाया। और तुम क्या कह रहे हो तुम्हारे वो लोग में ये है वो है, ना ना देखो अनसब्सक्राइब कर दो, तुम्हारे एक सब्सक्राइब से हमारे कौन से करोड़ों सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे, एक व्यूज भी ना था तुम्हारे एक सब्सक्राइब से, हर एक चीज की हर एक चीज की जानकारी है मेरे फोन के अंदर, किसने टिक करके वीडियो देखी है, किसने एड भी देखी है, किसने सब कुछ देखे, किसने कमेंट करे, हर एक चीज की पता चल जाती है, इतने वो नहीं है, ठीक है। तो अगला कमेंट है तरण गिल जी का, इतने खुश जो हो रही हो, किसान की फसल खराब हो गई है, तुम लोगों को क्या पड़ा, क्या जान, हम भी किसान हैं, हमको तो कुछ पता ही नहीं, हमारे मामा और तो बिजनेसमैन है ना, उनके तो करोड़ों गाड़ियां खड़ी है, लैम्बर्गिनी से कबाड़ में पड़ रही है, सड़ रही है वो तो है ना, सब पता है हमको, पहली बार हंसी के अंदर ओले पड़े है इसलिए खुश थे, वो पहली बार वो लोगों ने पहली बार देखे हाँ, ओले तो पड़ते हैं रात को ही पड़ते हैं, कभी कभी रात को बारिश आती है, कभी कभी रात को होते हैं, अगर जब पापा होते हैं ना इतनी बारिश आती है कभी कभी, तो इतने मोटे मोटे रोहतक में तो पता ही होगा आपको कितने ओले पड़ रहे हैं, तो हम इसलिए खुश थे, हाँ भाई पहली बार हमने व्लॉग के अंदर ओले दिखाए है, पहली बार व्लॉग के अंदर हमने बर्फ दिखाई है, और जितनी बर्फ गिरी थी ना कल, मामूली लगा लो आप, ज्यादा तो नहीं कर रहा मैं, एक सेकंड के लिए हमारी गली थी वो वाइट हो गई थी एक सेकंड के लिए, क्योंकि ऊपर से इतना बड़ा उड़ाता है एक मिनट में गायब हो जाते हैं नीचे आते आते, तो इसलिए हम खुश थे, हमको सब पता है किसानों से तो जी रहे हो, तुम कौन से किसी और से जी रहे हो। तो अगला कमेंट है निशी गुप्ता जी का, आप घर का काम बहुत अच्छे से करते हो, अपने चाचा के पास जाकर नौकरी कर लो, उनका घर संभालने के लिए कोई चाहिए, तो ऋषि गुप्ता सबसे पहले आप ही चली जाओ उनके पास नौकरी, वहाँ पे जरूरत है, वहाँ पे एक नौकर की जरूरत है, हमारे भी नौकर की जरूरत है, आप आ जाना, आपको जरूरत होगी नौकरी की, ठीक है, हमारे घर में हमें खुद का काम करने में कोई वो नहीं है, भाई हमें शर्म आती है, हम खुद का काम करते हैं, तुम वो पाओगे अपने आदमियों से काम करवाने वाले, अपने बच्चों से काम करवाने वाले, लेकिन हम नहीं, हम मिल बांट के काम करते हैं और करेंगे, हमेशा करते रहेंगे, आपको मेरे चाचा के पास जाना है, आपको सही है चले जाओ, बढ़ोतरी भी हो जाएगी आपकी, बाई चांस इंस्टा पे रील करोगे हाँ मैं अरमान मलिक के पास आई हूँ, हाँ मैं गोलू मलिक के पास आई हूँ, तो आप चले जाना, काम करने वाले की मम्मी की तबीयत खराब है, रोटी राटी नहीं बनाई जाती हमसे, तो आप आ जाना। अगला कमेंट है पिंकी जी का, गोलू बेटा आप बहुत अच्छे हो, हमेशा अपनी फैमिली के लिए ऐसे ही रहना। अगला कमेंट है यूजर जी का, कीप ब्लॉकिंग डू नॉट ब्रदर अबाउट, मैंने इतना इंग्लिश पढ़नी आती, तो हमारे को पसंद करने वाले करोड़ों लोग हैं और थोड़े दिनों के अंदर करोड़ों से भी ज्यादा हो जाएंगे, ठीक है, हमारा चैनल छोटा ही है और क्या है, चैनल छोटा है, पसंद करने वाले बहुत ज्यादा लोग हैं। जिस कमेंट है प्रियंका गोला जी का, गोलू बेटा ऐसे ही अच्छे अच्छे ब्लॉग बनाते रहो, आप लोग हमेशा खुश रहो और आप तीनों बच्चों को ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। अगला कमेंट है, थैंक यू जी, क्या नाम था इनका, प्रियंका, थैंक यू प्रिया जी, प्रियंका जी आपने हमारे लिए इतना बड़ा सोचा, तो हम भी आपके लिए इतना बड़ा सोचा, कभी भी आना आप आपसे मिलने के लिए, जब आपको कोई काम हो तो भी आ सकते हैं, जरूरी नहीं स्पेशल मिलने के लिए, अब तो आप कितनी दूर बैठे हो, आपका हम पैसे नहीं लगाना चाहते, बस कभी बाई चांस हरियाणा के अंदर चक्कर मारना हो तो आप मिल सकते हो। तो गाइज हमारी स्कूटी जा रही है चाचू जी के घर खड़ी होने के लिए, क्योंकि हमारे घर पे दो साधन है, वो साधन दिखा देता हूँ, एक हमारी स्कूटी और एक हमारी बाइक, तो दो अंदर खड़ी होगी, तीन आ नहीं सकती, तो इसलिए चाचू हाँ जी कर लो आप अपने घर पे, आपको चलाने चला लेना कोई दिक्कत ही बात नहीं है।
बढ़िया वाले है कमेंट फुल। उन्होंने बदतमीजी कर रखी है, हमने बदतमीजी नहीं कर रखी, हमने ना आप खुद बताओ। कोई भी माँ बाप ये नहीं चाहेगा कि उसका बच्चा उनसे ऊपर होकर बोले, क्योंकि बच्चा जब तक बर्दाश्त कर सकता है, जब तक वो बच्चा रहता समझदारी के बाद ना, किसी का भी बच्चा हो, कोई भी बच्चा ना, चाहे मेरे बच्चे से लगा लो, चाहे इनकी बुआ जी के बच्चों, किसी के बच्चों से भी लगा लो, कोई भी इतना बर्दाश्त नहीं करेगा जितना भी हमने बर्दाश्त किया है। ठीक है, एक न एक दिन जवाब देना। तो मैंने तो उतनी गलती मान ली थी, कोई बात नहीं बच्चे से गलती होगी। तो आप बार बार ऐसे ऐसे कॉमेंट करते हो, आपके बच्चा आपके सामने बैठ के वो लोग बना, तो वो लोग ना तो मेरे सामने बैठ के बनाया। जिस टाइम में डॉक्टर कैसे आई थी ना, मैंने जब बनाया था और मैंने वो बताया भी था किसके ऊपर बनाया, मैंने मेरे दोस्तों के ऊपर बनाया था। छोड़ो छोड़ो उस बात ना, आप कह रहे हो ना कि दोस्त की सिलाई करते ये करते, मैं तो छोड़ ही दी थी बात। हमको किसी से कुछ लेना देना नहीं है, और जिसको पसंद करना है सब्सक्राइब करे, जिसको नहीं करना अनसब्सक्राइब कर दे, कोई आपके एक अनसब्सक्राइबर से बड़ा नहीं हो जाते। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं, तब तक के लिए ओके टाटा बाय बाय। जो अगर नेक्स्ट व्लॉग आएगा ना, एक तो आ जाएगा 1 बजे, ठीक है, और एक इसके बाद आएगा 4:30 बजे व्लॉग आएगा। उस 4:30 बजे के व्लॉग में देख लेना आप वो क्या क्या सच्चाई मिलेगी, क्या क्या कुछ मिलेगा। जो कोई उल्टे कमेंट कर रखे है सारों का जवाब उसी के अंदर होएगा। तो जब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, जय।